तो यार आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने जावा का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जावा के फीचर को समझ लेते हैं कि कौन कौन से जावा के अंदर फीचर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जावा होती है वो क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज है। क्या है? सिंपल लैंग्वेज है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने आपको बताया था कि ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, और ये एक पोर्टेबल होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन की जा सकती है। अभी सिक्योर होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और ये क्या होती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे ये सब सब क्या है इसके, ये हमारे जावा के मल्टीपल यहाँ पे फीचर है। और भी इसके बहुत सारे फीचर हैं, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं और इनके बारे में भी डिटेल में वहाँ पे समझ सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या है, जावा के फीचर हैं, ये आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएंगे। इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ना गूगल में सर्च करके या विकीपीडिया का यूज करके, वहाँ पे आप लोग इसे पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे वे में। अब यहाँ पे हम लोग अपने जावा के प्रोग्राम को लिखने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाले हैं कि जावा के प्रोग्राम में सबसे पहले लिखा क्या जाएगा। तो सबसे पहले जो जावा का कोड होगा उसमें क्लास लिखी जाएगी, और क्लास के अंदर यहाँ पे मेन मेथड आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यू नीड टू क्रिएट अ क्लास डेट कंटेन द मेन मेथड। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जावा के प्रोग्राम को हमें क्या करना पड़ेगा, रन करने के लिए कुछ और भी चीज़ों की नीड पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें पहले ज़रूरत पड़ती थी जब यहाँ पे मतलब कि इतने अपडेटेड हमारे एडिटर नहीं आए थे। तो वहाँ पे हम नोट पैड में अगर कोड लिख रहे हैं, तो नोट पैड में अगर कोड लिख रहे हैं जो विंडो के साइड आता है एडिटर, तो उसका हमें क्या होता, पाथ सेट करना पड़ता था उसके लिए। उसे रन कराने के लिए हमें JDK तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा गूगल से, अब उसके साथ साथ उसका एक पाथ सेट करना पड़ता था। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि द रिक्वायरमेंट फॉर जावा हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब हेलो वर्ल्ड जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे पहले आज लिखने वाले हैं, तो इसकी कुछ क्या रिक्वायरमेंट है उसे रन कराने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंस्टॉल द JDK इफ़ यू डोंट हैव इंस्टॉल्ड। अब आपके सिस्टम पे अगर JDK सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो पूरी PDF या नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें भी अंडरलाइन है ये इन सब का एक लिंक दिया गया है, ये इसके अंदर भी रिसोर्सेस है, आप लोग वहाँ से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद इंस्टॉल, आपको JDK इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्या करना है, सेट अप पाथ। अब पाथ को आपको क्या करना है, सेट करना है। अब ये कैसे सेट करते हैं मैं आपको लेक्चर बना के बता दूंगा, नहीं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू सेट जावा पाथ। तो वहाँ पे मल्टीपल आपके पास लेक्चर वीडियोस निकल के आ जाएंगे, वहाँ से किसी भी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और वहाँ पर पाथ को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट पाथ, सेट पच का पाथ सेट करेंगे। फिर इसके बाद टू क्रिएट अ सिंपल जावा प्रोग्राम यू नीड टू क्रिएट अ क्लास, हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर इसके कंटेन द मेन मेन मेथड, जो कि मेन मेथड को कंटेन करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या जावा प्रोग्राम लिखना ही है। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसे जावा प्रोग्राम को लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, इसे कंपाइल करना होता है। किसके द्वारा, कंपाइलर सॉफ्टवेयर के द्वारा यहाँ पे जावा प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। फिर इसके बाद इसका कुछ आउटपुट आता है जो हमें विजुअल होता है। तो पूरा यही इसका प्रोसेस है पूरे कोड का, कि सबसे पहले हमें कोड लिखना पड़ेगा, फिर कोड को हमें कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद अगर कोई एरर नहीं आती है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। बस आउटपुट के लिए तो हम यहाँ पे कोड करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कुछ रिक्वायरमेंट और भी है यहाँ पे, जब भी आप पहला प्रोग्राम वहाँ पे लिखेंगे तो ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए, ठीक है, आपके सिस्टम में। तो ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग VS कोड का यूज़ कर रहे हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में क्या होगा, VS कोड जब वहाँ पे इंस्टॉल किया था, तो वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन थे मैंने आपको इंस्टॉल करके बता दिया था। हालांकि वहाँ पे हम रन करके प्रोग्राम नहीं देखे थे, मतलब उसका आउटपुट नहीं जनरेट किए थे, लेकिन वहाँ पे जितने भी उसके एक्सटेंशन थे वो मैंने आपको डाउनलोड करके बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इस लेक्चर में भी मैं एक बार अभी बता दूंगा आपको, तो वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई, यहाँ पे कौन कौन से चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे हम समझते हैं अपना जावा का पहला कोड, किस तरह से कोड लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने एडिटर को ओपन करूँगा, आप लोग भी अपने एडिटर को ओपन कर लेना VS कोड को। अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है जावा प्रोग्राम के नाम से, ये वाला। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो सिंपल इस वाले में जाना है आपको, इस वाले आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कुछ भी नाम रख के आप लोग फोल्डर अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जावा प्रोग्राम का नाम से ऑलरेडी यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे दो आइकन दिख रहे हैं, एक फाइल का है और दूसरा क्या है, ये फोल्डर का है। तो यहाँ पे फाइल वाले पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, सिंपल डॉट जावा, इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे जावा की फाइल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख के आ गई। अभी मैं देखो, मैंने जैसे ही डॉट जावा यहाँ पे लिखा, तो ये यहाँ पे पूरा जो इसका पहले से लिखा हो पब्लिक क्लास सिंपल, पहले से ही यहाँ पे क्लास बन के आ चुकी है। ये क्यों आई है, आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले आइकन पे जाना है एक्सटेंशन पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा जावा।
जैसे जावा लिखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये सारे एक्सटेंशन मैंने क्या किया, ऑलरेडी डाउन इंस्टॉल कर लिया है। अब आप में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो सारे यहाँ पे जावा लिखते हैं जितने भी यहाँ पे ब्लू टिक हो रहा है मैंने सबको इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग भी नहीं क्या करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे सारे, ठीक है। ये यहाँ तक पूरे आपको इंस्टॉल कर लेना, तो जितना सब कुछ यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ वो आप लोग भी कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें क्लिक करता हूँ और अपना पहला प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। अब ये बाय डिफॉल्ट लिख के आ गया था, लेकिन सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने क्लास को पब्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी कीवर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर है जावा का। सबसे पहले अगर प्रोग्राम में हमें बनाना है तो इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा जावा के अंदर। तो ये वाला स्ट्रक्चर कंपलसरी है जो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। हर बार जितनी बार भी आप कोड लिखेंगे इस स्ट्रक्चर को जरूर लिखेंगे, तो इसे तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही लीजिए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पब्लिक क्लास। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास बनानी होगी और क्लास का अपने एक नाम देना होगा। अब ध्यान रहे आप जो भी नाम देंगे वो जिस नाम से आपने फाइल सेव की है वही नाम यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मान लो एरर आ सकती है, मैंने ऐसे यहाँ पे कैपिटल रखा है, यहाँ पे जो फाइल सेव हुई है स्मॉल लेटर पे हुई है, तो हम बाद में अपने एरर को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे अपना सिंपल नाम से। अब यहाँ पे इसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है, फिर देन आफ्टर इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया तो पूरा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। आप लोग भी सारे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको भी शो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको बिगिनर है तो। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हमने इंटर कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे इस बॉडी के अंदर इस मेन मेथड के अंदर ही हमें क्या करना होगा, ये इसका वर्ड मेन लिखा है ना, तो इसका क्या है मेन मेथड है, मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है जैसे घर का एक मेंबर होता है ना, मेन आदमी होते हैं घर पे, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो मेन आदमी से बात कर लो, सारी प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे ही प्रोग्राम का भी एक मेन आदमी होता है जिसे बोलते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसी के अंदर हमारा सारा कोड लिखा जाएगा। मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं प्रोग्राम को बोलना चाहता हूँ हेलो, तो यहाँ पे प्रोग्राम को हम बोलेंगे हेलो। तो जैसे कि सी लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए वहाँ पे प्रिंटफ मेथड का यूज करते थे, है ना। आप C++ में काउट का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट में आप लोग कंसोल डॉट लॉग या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन सब का यूज करते हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग प्रिंट करने के लिए हमारे पास मेथड है। तो यहाँ पे भी प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड आ जाता है जिसका नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस्टम, ये देखिए मेंशन यहाँ पे डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिख रहा हूँ, प्रिंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को आज बोल देता हूँ हेलो। लास्ट में यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, अब ये पूरा या आपका प्रोग्राम जो है पूरा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए यही है आपका जावा का पहला प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास बनाई, क्लास का अपना एक नाम रखा, और इन क्लास और सिंपल जो हमने सिंपल नाम की क्लास बनाई थी इसे क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक कर दिया मतलब इसे एक्सेस कहीं भी किया जा सकता है पूरे प्रोग्राम में। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसके बाद आया, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और बाद में ARGS आर्गुमेंट। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसका पैरेंथेसिस ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ प्रिंट करा दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको बार बार लिखना पड़ेगा ये चीज़, और सारा कोड जो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट है इसके जगह पे आपको सारा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला प्रोग्राम हो चुका है, लिख गया है। अब यहाँ पे एक बार हम इसे रन करते हैं, क्या इसमें एरर आ रही है या नहीं। तो एक बार यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एरर आ गई ना सिंपल डॉट मेन पे, तो हमें पता था पहले एरर आएगी। तो हम क्या करते हैं इसका नाम रिनेम कर लेता हूँ मैं, और अब इसे सेव करते हैं, अब इसे रन कराते हैं। सेव आपको आपको करना है Ctrl+S से, ठीक है। क्या Ctrl+S, जितनी बार आप कोड यहाँ पे चेंज करेंगे उतनी बार आपको Ctrl+S से सेव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार उसी प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने P लिखा, तो यहाँ पे देखो अभी क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, मैंने P लिखा तो यहाँ पे देखो राउंड शेप में आ गया। अब राउंड शेप में आ गया इसका मतलब सेव नहीं है। अब सेव करने के लिए जैसे आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो देखिए आप सेव हो चुका है,
और यहाँ पे क्या है, क्रॉस का सीन यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे पी हटा देता हूँ क्योंकि एरर आ चुकी है। अब फिर से मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे एरर चली जाएगी, एरर चली गई। अब यहाँ पे देखिए एक आइकन बन के आ रहा होगा, यहाँ से आपको क्या करना होगा, रन करना है प्रोग्राम को। आप इसमें डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर इसमें क्लिक करेंगे और रन जावा प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने जैसे ही रन जावा प्रोग्राम पे क्लिक किया तो देखिए टर्मिनल टर्मिनल सेक्शन पे, यहाँ पे अभी इस चीज़ को पूरे पे इग्नोर करना है क्योंकि इसका एक पाथ दिया हुआ है, ये इसे आपको इग्नोर करना है। और देखिए यहाँ पे सिंपल नाम की हमारी फाइल है और यहाँ पे ये देखो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ना। तो देखो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम बनाया यहाँ पे। इस थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए तो ऊपर यहाँ पे हमारा पूरा कोड है, ये पूरा हमारा कोड है और नीचे यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ये हेलो। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोड लिखना है और यहाँ पे हमारे सिंपल सा एक आउटपुट जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला प्रोग्राम अपना बना लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमारा ये। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कीवर्ड यूज हुए, पब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लास का मतलब क्या है, पब्लिक यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें अब इसके बारे में हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। लेकिन एक चीज़ पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, आप लोग हिंदी सबको पढ़े हैं, इंग्लिश भी सब लोग पढ़े हैं, तो हिंदी में क्या होता था, जब भी कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगा होता है, क्या होता है, पूर्ण विराम लगा होता है। सेम यहाँ पे इंग्लिश पे जैसे पूरा सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पे स्टॉप लगा होता है, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो जैसे ही एक लाइन यहाँ पे खत्म होती है तो यहाँ पे सेमी कॉलन लग जाता है इन्हीं की जैसे ही। अब यहाँ पे बात करेंगे सर यहाँ पे भी क्यों सेमी कॉलन नहीं लगा, अभी यहाँ भी खत्म हो गई ये लाइन भी यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे बस क्यों सेमी कॉलन लगा है, इसका एक रीजन है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको मेन मेंबर का घर का एग्जांपल दिया था ना, मेन मेंबर होते हैं घर पे, सेम यहाँ पे भी। अब यहाँ पे अगर इन्हें लॉक कर दिया जाएगा और अगर घर के जो मेन मेंबर हैं उन्हें ही पूरी फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो जो अंदर वाले मेंबर हैं उनके घर पे उनका कैसे काम चलेगा, वो कैसे वर्क कराएंगे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे सेमी कॉलन इन पर नहीं लगाते हैं क्योंकि इनके अंदर ही यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स चलने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो अगर ऊपर हम पहले ही फुल स्टॉप लगा देंगे उस लाइन का, लाइन को बंद कर देंगे तो फिर आगे काम ही नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट है इसका अब आगे काम खत्म, इसका दोबारा हम यूज नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं इसे सेमी कॉलन लगा के, जैसे फुल स्टॉप लगा के इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लोजिंग, सिंपल है ना। तो यहाँ पे इतना चीज़ हमने समझ लिया, अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा ये वाला हेलो जावा का। तो और यहाँ पे आप जिसे कंपाइल करने के लिए, अगर आप लोगों ने वीएस कोड का यूज नहीं किया है, अगर नोट पैड का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना होगा। अब आपसे क्वेश्चन पे वाइवम पूछा जा सकता है कि जावा का कंपाइलर का क्या नाम है, तो आपको सिंपल से बताना है जावा सी, क्या जावा सी। तो यहाँ पे जावा सी अगर आप वीएस कोड पे ना यूज कर रहे होते, डायरेक्ट आप यहाँ पे मान लो कि किसी दूसरे एडिटर पे हैं वहाँ पे कंपाइल करने के नीड होते, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, जावा सी लिखना होगा। फिर यहाँ पे फाइल का नाम लिखना होगा जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है, और फिर डॉट जावा एक्सटेंशन लगाना होगा। अगर इसमें कोई फिर इसे क्या करेंगे, आपको इंटर कर देना है। अगर कोई एरर नहीं आती है तो सिंपल फिर से आपको क्या करना होगा, जावा और अपने फाइल का नाम यहाँ पे स्पेस देके लिखना पड़ेगा, फिर इंटर करेंगे तब जाके आपका आउटपुट आएगा। ठीक है ना, तो ये अगर कोई एरर नहीं आती है तो, अगर एरर आ जाएगी तो कंपाइल टाइम में ही एरर आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है, रन नहीं होगा हमारा प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं एक लेक्चर इसमें भी बना दूंगा तो जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। हालांकि अगर हम वीएस कोड का यूज़ कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान भी नहीं देना है, लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका कंपाइलर का क्या नाम है, किस तरह से जावा कोड को कंपाइल करते हैं। तो ये पूरा स्टेप है यहाँ पे, किस तरह से इस पूरे कोड को कंपाइल यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया कि कंपाइलेशन जो इसका फ्लो है किस तरह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जावा का कोड लिखते हैं। अब जावा का कोड तो हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिसका नाम है कंपाइलर। अब इस पूरे जावा के कोड को कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। कौन से, बाइट कोड में। अब बाइट कोड का मतलब क्या होता है, अभी आपने जावा कोड को डॉट जावा के नाम से सेव किया है, अब यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, इसी फाइल को डॉट क्लास के नाम पे कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखिए यहाँ पे डॉट जावा है ये, अब इसे जैसे सेव करेंगे यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे डॉट क्लास नाम की एक फाइल बन जाती है जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर जो भी कोड लिखा जाता है उस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। धीरे धीरे इसके बारे में आगे समझेंगे, तो अभी बस इतना आपको समझना है कि एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, इतना हमारे समझ में आ गया कि एक जावा की फाइल है और जावा की फाइल जो है
उससे कंपाइलर क्या करता है, दूसरे कोड में कन्वर्ट कर देता है, उस कोड को हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास होता है। सिंपल, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर सेमेस्टर एग्जाम है तो वहाँ पे 5 मार्क्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो किस तरह से इसका फ्लो कंपाइलेशन का किस तरह से फ्लो है यहाँ पे जावा प्रोग्राम का, सिंपल है। तो इतना हमारे समझ में आ गया, सिंपल जावा का कोड है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर इस जावा के कोड को क्या करता है, एक कोड में कन्वर्ट कर देता है, उस कोड को क्या बोलते हैं, बाइट कोड, और इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास होता है, ठीक है। और जो हम जावा कोड लिख रहे हैं जहाँ पे, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा होता है, सिंपल है। तो ये था हमारा कंपाइलेशन फ्लो। अब यहाँ पे हमारे जो अलग यहाँ पे कीवर्ड जो है, जैसे कि इस प्रोग्राम पे जो यहाँ पे आ रहे थे कि क्लास का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्लास है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्लास हमारी क्या है, ये कीवर्ड है, क्या है, ये कीवर्ड है। तो यहाँ पर सारे जो मोस्टली हैं वो कीवर्ड है, मेथड ही है। तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, क्लास, क्लास कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। अब जावा के अंदर जो क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है, किसके लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं ना, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं सब लोग उसे, पूरी पब्लिक उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई उसमें रुकावट नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर, क्या है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, दैट रिप्रेजेंट विजिबिलिटी, जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या, विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स इट इज ए विजिबल टू ऑल, इसका मतलब क्या है, ये सबको विजिबल होगा, ठीक है ना, मतलब सब लोग इसमें यूज कर सकते हैं, सब लोग इसका यूज कर सकते हैं, कौन, प्रोग्राम के मेंबर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के एग्जाम दिया, एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं उसे पूरी पब्लिक यूज कर सकती है, तो सेम यहाँ पे जो पब्लिक है, यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का अगर यूज किया जा रहा है प्रोग्राम के अंदर जिस भी लाइन के से पहले, तो उसका मतलब क्या है, उस लाइन का जो एक्सेस है पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है, यह भी एक कीवर्ड है, स्टैटिक इज अ कीवर्ड, इफ वी डिक्लेयर एनी मेथड एज अ स्टैटिक, यदि हम कोई मेथड क्रिएट कर सकते हैं, करते हैं विद द स्टैटिक कीवर्ड, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नोन एज द स्टैटिक मेथड, तो हम इसे स्टैटिक मेथड के नाम से जानते हैं। द कोर एडवांटेज ऑफ द स्टैटिक मेथड इज द डैट देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इसका जो कोर एडवांटेज है, अगर हम स्टैटिक मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो इसका जो कोर एडवांटेज है स्टैटिक का, वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेथड का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई नीड नहीं होती है, किसके लिए, टू इन्वोक द स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे द मेन मेथड इच एग्जीक्यूट, अब यहाँ पे एक मेन मेथड भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, तो यहाँ पे मेन का मतलब क्या है, द मेन मेथड इच एग्जीक्यूटेड बाई द जीवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे जो मेन मेथड होता है, जो मेन मेंबर, जैसे मैंने आपको घर को बताया, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम का जो मेन मेथड होता है उसे कौन एग्जीक्यूट करता है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं जेवीएम, जेवीएम। सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेन मेथड के लिए कोई, इसलिए यहाँ पे यह कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोई नीड नहीं होती है, इसके लिए, टू इन्वोक द मेन मेथड, सो इट सेव द मेमोरी, इसलिए क्या करते हैं, मेमोरी को सेव भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लास हो गया, क्लास का मतलब हमने समझ लिया पब्लिक और स्टैटिक। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ड, अब यहाँ पे वर्ड जो कीवर्ड है, ये क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप मतलब क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब यहाँ पे वर्ड है, ये नल वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता, तो यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है। अगर यहाँ पे कुछ और होता है, इंट रिटर्न टाइप, अलग कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होते हैं, लेकिन वर्ड का मतलब क्या होता है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ड इज द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड, तो मेथड का क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। इट मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वर्ड का मतलब, तो जहाँ भी वर्ड लग जाएगा उसका मतलब कोई वैल्यू या रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो मेन रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया ना, मेन मेंशन, मेन आदमी, मेन फंक्शन यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे कीवर्ड है, जो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन यहाँ पे यूज किया है पूरे प्रोग्राम पे, देखिए यहाँ पे ये मेन, ये जो लिखा है ना मेन, तो यहीं से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेन रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग ए आर जी एस और स्ट्रिंग ए आर जी एस, देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट है ए आर जी एस के आगे लगा है, तो ये इसमें आएगा, कैसे भी लगा सकते हैं, बट इसके बारे में हमें अभी पढ़ने वाले हैं। तो ए आर जी एस इज यूज टू कमांड लाइन आर्गूमेंट, इसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर कमांड लाइन आर्गूमेंट, वी विल इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद आ गया
अगर सिंपल यहाँ पे बात करें तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, प्रिंट करने के लिए कुछ भी चीज़ को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे साउट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ln का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। क्या नेक्स्ट लाइन? नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे कोई कोड लिखेंगे उससे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे ln का यूज करते हैं। हम आगे इसके बारे में जब प्रोग्राम लिखेंगे तो हम पे पूरा बात करेंगे। तभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर इसका समझ लें कि किस वर्ड का क्या मतलब है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln इज यूज फॉर प्रिंट स्टेटमेंट। किसके लिए यूज किया जाता है, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। हेयर सिस्टम इज अ क्लास। क्या है सिस्टम, यहाँ पे क्या है, क्लास है। आउट इज एन ऑब्जेक्ट। आउट का मतलब क्या होता है, यह एक ऑब्जेक्ट है ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम। किसका, प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट ln क्या है, इज अ मेथड। प्रिंट ln क्या है, यह एक मेथड है ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया कि क्लास का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln का मतलब क्या है। तो अगर अब आपसे आपके वाइवा में या फिर आपके क्लास में आपसे पूछा जाता है कि जो पूरा प्रोग्राम लिखा है स्ट्रक्चर, इन सब में जो अलग अलग कीवर्ड है इनका मतलब क्या है, तो आप वहाँ पे आराम से उन्हें बता सकते हैं। इवन कंप्यूटर के लैंग्वेज बोलूँ तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम हमने समझ लिया, सारे पॉइंट समझ लिया, प्रोग्राम भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास कितने टाइप हैं, हाउ मैनी वे, मतलब कितने तरीके हैं वी कैन राइट अ जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो वो सारे तरीके हम देख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें पूरा कन्फ्यूजन पहले दूर कर लें कि आपके सामने अगर कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो आप कुछ थोड़ा चेंज करके आपसे पूछता है क्या ये प्रोग्राम रन होगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएँ अगर एक तरीका ही आपको पता रहेगा। तो अब सारे तरीके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप कन्फ्यूजन हो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इन हाउ मैनी वे वी कैन राइट अ जावा प्रोग्राम, तो बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर का जो सीक्वेंस उसे चेंज करके भी हम अपने कोड को लिख सकते हैं, जैसे स्टैटिक, पब्लिक, वर्ड, मेन। अब यहाँ पे हमने पहले प्रोग्राम में क्या लिखा था, पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड, मेन, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक, पब्लिक, पब्लिक, वर्ड, मेन। अगर आपसे आप वाइवा में पूछा जा सकता है क्या ये रन करेगा, तो आप बोल सकते हैं हाँ रन करेगा। तो पहला जिसका टाइप था क्या है, बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द मॉडिफायर। तो मॉडिफायर का सीक्वेंस भी हम चेंज करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, स्टैटिक, पब्लिक, वर्ड, मेन। हमने इसे क्या करते हैं, स्टैटिक को पहले लगा दिया और पब्लिक को बाद में लगा दिया, और स्ट्रिंग ARGS यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप अपने कोड को लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे तरीका क्या है, द सब स्क्रिप्ट नोटेशन इन जावा एरे कैन बी यूज आफ्टर टाइप। अब यहाँ पे देखो जितने भी यहाँ पे एरे के, जो यहाँ पे एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है ना जावा, ये आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा होगा कि एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड, मेन है। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका क्या है, स्ट्रिंग के तुरंत बाद आप इस ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, या फिर देखो दूसरे लाइन पे आप लोग देखेंगे ARGS से पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, या फिर तीसरी लाइन पे, या फिर थर्ड लाइन पे आप लोग देखेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है सबसे लास्ट में भी आप लगा सकते हैं, तो कोई एरर भी नहीं आने वाली है आपके प्रोग्राम में। तो इससे कन्फ्यूज नहीं हो आपको होना। तो तीनों तरीके आप लोग अपने प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, इसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बाई चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द मॉडिफायर, और इसे भी आप लोग अप्लाई कर, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा भी समझते हैं, यू कैन प्रोवाइड वेयर आर्गूमेंट सपोर्ट टू द मेन मेथड बाई पासिंग थ्री इलिप्सिस डॉट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड में लिख लिया, अब यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग के बाद आपने क्या किया, जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे अपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर नहीं लगा रहे हैं तो उसके जगह पे आपको तीन डॉट लगाना होगा। क्या, तीन डॉट, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे लिख दो, स्ट्रिंग के तुरंत बाद लगे, लास्ट में यहाँ पे ARGS लग गया है, कोई दिक्कत नहीं आता ना। ये तरीका भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो कोड है आपका, तो यहाँ पे जैसे आपका जो क्लास है उसका सेमी कॉलन लास्ट में बंद करना है या नहीं बंद करना है, तो ये हमारे क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अभी आपने जो हमने जो जावा कोड लिखा है यहाँ पे, तो देखिए हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया यहाँ पे, तो आप इसे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वाइवा में कि यहाँ यहाँ पे सेमी कॉलन हमने लगा दिया, कोई एरर आएगी प्रोग्राम में, तो आपको बताना नहीं आएगी, ये ऑप्शन है, आप लगा दीजिए, है ना। तो कोई एरर आने वाली नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैविंग अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द क्लास इज ऑप्शनल इन जावा, ठीक है। तो ये सेमी कॉलन ऑप्शन है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि वैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर। अब यहाँ पे कौन कौन से मेथड वैलिड हैं और कौन कौन से मेथड वैलिड नहीं है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं आपके प्रोग्राम में किस तरह से आपको लिखना है। देखो यहाँ पे सारे वैलिड वाले हैं, आप अपने प्रोग्राम में इन्हें सबको अप्लाई कर सकते हैं। देखो पब्लिक, स्टैटिक, वर्ड, मेन हो गया, स्ट्रिंग, ARGS। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमने इस स्ट्रिंग के तुरंत बाद लगाया, फिर यहाँ पे ARGS के पहले लगाया,
फिर ARJS के बाद लगाया। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं तो आप थ्री डॉट से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पांचवे तरीके में देखो, स्टैटिक को हमने पहले लगा दिया, स्टैटिक पब्लिक वर्ड में, ऊपर वाले में क्या था, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पब्लिक स्टैटिक, अब यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज किया गया। अब हमें फाइनल कीवर्ड का मतलब क्या होता है आगे हम आगे में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पे देखो, फाइनल को हमने यहाँ पे यूज किया, अब यहाँ पे फाइनल को हमने पहले यूज कर लिया। फिर यहाँ पे फाइनल स्ट्रिप, स्ट्रिक TFP, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो ये क्या हमारे मेन, जो इसके मेन मेथड है, ये सारे वैलिड मेन मेथड है, यहाँ पे इनका अपना सिग्नेचर है, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम में, कोई एरर नहीं आएगी। अब यहाँ पे कौन कौन से वैलिड नहीं है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे क्या है, वैलिड नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं, पब्लिक वर्ड मेन और स्ट्रिंग, ये सब क्या है, इनवैलिड जावा मेन मेथड। क्योंकि यहाँ पे देखो, स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किएगा, यहाँ पे देखो पब्लिक का यूज नहीं किया गया पब्लिक कीवर्ड का। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, यहाँ पे देखो पहले पब्लिक वर्ड और स्टैटिक यहाँ पे लगाया गया। फिर यहाँ पे देखो अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये सारे क्या है, ये इनवैलिड आपके मेन मेथड के सिग्नेचर है। देखिए, आज हमने मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हमने एक जावा प्रोग्राम लिखा, फिर यहाँ पे जावा प्रोग्राम पे जो जो चीज़ें यहाँ पे यूज हो रही हैं उन सब के बारे में मतलब समझा, कौन कौन से इनवैलिड चीज़ें हैं, कौन कौन से वैलिड चीज़ें हैं, सब कुछ हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में, आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा।